पिछले वीडियो में हमारा प्रकाश का परावर्तन तक हुआ था, वहाँ तक डिफ्यूजन बताई थी हमने कि प्रकाश का किसी चिकने पॉलिशदार पदार्थ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो जैसा कि मुझे बताया था कि आगे हमको प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ना है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रकाश के परावर्तन का नियम, कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसका रूल क्या होता है, किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है लाइट। ऐसा नहीं होता कि बस सरफेस पे पड़ा जिधर पाया उधर निकल लिया, उसका एक नियम होता है। तो देखते हैं उसका नियम क्या होता है। मान लेते हैं ये कोई पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश सरफेस समझ रहे हो ना, अपारदर्शी कोई सतह बना दी जाए, मतलब कोई पारदर्शी प्लेट हो कांच की किसी चीज़ की, उसके एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाए, पॉलिश मतलब मोटा पेंट टाइप का चढ़ा दिया जाए कि वो क्या बोलते हैं उसे, अपारदर्शी बन जाए, लाइट आर पार ना जाए। तो ये हो गया कोई चिकनी पॉलिशदार सतह हो गई। लाइट रे कोई पड़ी आके इस पर, ये लाइट रे है प्रकाश किरण, अभी बताएंगे प्रकाश किरण क्या होता है। फिर क्या होता है, ये लाइट इस पर पड़ी तो आर पार तो जाएंगे नहीं चूँकि अपारदर्शी है ये, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई इधर, इसको बोलते हैं आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और सरफेस से टकरा कर जो वापस लौटती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। और सरफेस के जिस पॉइंट पर लाइट पड़ता है उसको बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मीन्स इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और सर आपतन बिंदु पर ही सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोला जाता है नॉर्मल, अभिलंब बोला जाता है इसको, अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल। और इस सरफेस को बोलते हैं परावर्तक तल, क्योंकि इसी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ये। अच्छा, अभी ये सब डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रकाश किरण क्या होता है। किरण किरण बार बार आ रहा है, तो प्रकाश किरण क्या होता है, तो प्रकाश किरण बेसिकली क्या होता है, प्रकाश का गमन पथ होता है, जो कहाँ से निकलता है, किसी सोर्स ऑफ लाइट से। तो लाइट जैसे सन है, सन सोर्स ऑफ लाइट है, उसके पास वहाँ से लाइट निकल रही है, तो जिस रास्ते से प्रकाश आगे बढ़ रहा है उस रास्ते को ही हम बोलते हैं प्रकाश किरण। मीन्स किसी सोर्स से, किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश का, प्रकाश को प्रसारित करने वाले पथ को, मतलब फैलाने वाले पथ को, प्रसारित करने वाले पथ को ही प्रकाश किरण बोला जाता है, पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं, लाइट वे कहते हैं। अब ये लाइट रे किस मीडियम में चलेंगी, किस मीडियम में नहीं चलेंगी, उस आधार पर मीडियम को तीन प्रकार से बांटा गया है, प्रकाश किरण के गमन के आधार पर, किसके आधार पर, प्रकाश किरण के गमन के आधार पर माध्यम को तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला माध्यम क्या होता है आपका, पारदर्शी, दूसरा माध्यम क्या होता है आपका, अपारदर्शी माध्यम, और तीसरा क्या होता है आपका, अल्प पारदर्शी।
पारदर्शी माध्यम क्या होता है? पारदर्शी मतलब पार हो जाए, क्या पार हो जाए? प्रकाश पार हो जाए, ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसे बोलेंगे हम, ट्रांसपेरेंट। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश किरणों का गमन आसानी से होता है उनको हम पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। प्रकाश आर पार निकल जाए उसको, जैसे कांच का टुकड़ा हो गया, पानी हो गया, इसमें प्रकाश गमन करता है, आसानी से गमन करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा क्या होता है? ओपेक मीडियम। अपारदर्शी, अपार मतलब कि पार ना हो, पार ना हो, जब प्रकाश किसी माध्यम में चले और आर पार ना निकल पाए तो उसको बोलेंगे अपारदर्शी। जैसे ये हमारा बोर्ड, दीवार, हाथ, ये सारे क्या हैं? ये अपारदर्शी है ना, यहाँ से लाइट डालेंगे तो यहाँ थोड़ो निकलेगी, या इस पर लाइट डालेंगे तो अगले कमरे में थोड़ो जाएगी, नहीं जाएगी। तो इसको बोलेंगे कौन सा? अपारदर्शी सतह बोल देंगे इसको। अगर कोई मीडियम मिल रहा है तो उसको अपारदर्शी माध्यम बोल देंगे, सतह कोई मिलेगा तो पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्पारदर्शी सतह बोल देंगे। तीसरा क्या होता है? अल्प पारदर्शी। अल्पारदर्शी मतलब क्या होता है? ऐसा माध्यम, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं इसको, ट्रांसलूसेंट। अल्पारदर्शी क्या होता है? कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का गमन आंशिक रूप से होता है, मींस पूरा का पूरा जाने भी नहीं देता और पूरा का पूरा रोकता भी नहीं है, प्रकाश का गमन आंशिक रूप से होता है, वो क्या कहलाता है? अल्पारदर्शी। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, प्रकाश किरण क्या होता है? किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश को प्रकाशित करने वाले पथ को, मीन्स सोर्स से प्रकाश जिस रास्ते से फैलता है मीडियम में, उसी रास्ते को बोलते हैं प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण के गमन के आधार पर माध्यम को या सतह को कितने टाइम बांटा गया है? तीन टाइप का, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, अल्पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से गमन कर सके, बिना किसी रुकावट के आसानी से गमन कर सके, उसे पारदर्शी माध्यम। और जिसमें प्रकाश गमन ना कर सके, ना चल सके, आर पार ना निकल सके, उसको अपारदर्शी माध्यम। और जिसमें प्रकाश का गमन आंशिक रूप से हो उसे अल्प पारदर्शी माध्यम। तो ये हो गया। अब आते हैं अपने परावर्तन के नियम में, जो जो हमको की वर्ड्स पढ़ने हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको? आपतित किरण। क्या पढ़ना है? आपतित किरण। आपतित किरण या उससे भी पहले पढ़ना है हमको परावर्तक तल। परावर्तक तल नाम से क्लियर है, परावर्तक तल मीन्स क्या? परावर्तन करने वाला तल। परावर्तक तल मीन्स क्या हो गया? परावर्तन करने वाला तल। जिस तल पे लाइट पड़े और लाइट उस तल से परावर्तित हो जाए तो उसको बोलेंगे परावर्तक तल। तो ऐसी सतह या ऐसा तल जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, ऐसा तल या ऐसी सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तक सतह कहलाती है, परावर्तक तल कहलाता है। समझ में आया? अब बात करते हैं आपतित किरण क्या होती। आपतित मीन्स आने वाली, किसी सतह पर प्रकाश किरण पड़े तो जो आने वाली किरण होती है उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अगला पॉइंट होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? तो ये आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके जिस पॉइंट पर लाइट आके पड़ी उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। तो आपतित किरण परावर्तक तल के या तल के जिस बिंदु पर पड़ती है या आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया आपका। अगला वर्ड क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। तो सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। फिर अगला के वर्ड क्या होता है? अभिलंब। क्या होता है? तो अभिलंब के लिए दो बातें याद रखनी है आप लोगों को, कि एक तो ये सरफेस के लंबवत रेखा होनी चाहिए और दूसरा ये आपतन बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। तो परावर्तक तल के आपतन बिंदु से तल के लंबवत खींची गई रेखा को या गुजरने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। अगला पॉइंट हमको पढ़ना है आपतन कोण। ये हो जाएगा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच बनने वाला कोण क्या होता है? आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। दूसरा परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन के नियम को पढ़ने के लिए इतने कीवर्ड्स हमको जानना जरूरी होता है। अब बात करते हैं परावर्तन का नियम क्या होता है, जो हमारा आज का टॉपिक था। तो परावर्तन का पहला नियम यह होता है कि आपतन कोण, पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है मींस एंगल ऑफ आई इक्वल हो जाएगा एंगल आर। अगर कोई लाइट नॉर्मल से 45 डिग्री पर इंसिडेंस हो रही है तो 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट भी होगी, रूल होता है 60 पर आ रही तो 60 से होगी, जितने एंगल पर आपतित होगी उतने एंगल पर परावर्तित होगी। ऐसा नहीं जिधर आया उधर आ गई, जिधर पाया उधर निकल लिया, एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। ये पहला नियम हो जाता है हमारा। दूसरा नियम क्या हो जाता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसको समझने के लिए इमेजिन करो कि कोई लाइट बोर्ड पे पड़नी है, इस बोर्ड पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होनी है। तो मान लेते ये लाइट पड़ी, ये लाइट इतने एंगल पर, ये समझो लाइट रे है, डस्टर हमारा जो है समझो लाइट रे है, ये पड़ी। अब इसका मूविंग सरफेस क्या है, किस सरफेस पे चल के आ रही है, फर्श वाले सरफेस पे, ये फर्श समझो लगी हुई है, इसी सरफेस पे तो आ रही है, ये चल के आ रही है। तो इसका तल क्या हो जाएगा, आपतित किरण का तल क्या होगा, ये फर्श। बात क्लियर? अच्छा, ये आई तो यहाँ पर हम अभिलंब खींचेंगे तो ये तल के स्पिन पर पड़ी, तो इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर तल के लंबवत, तल ये है, आपतन बिंदु ये है, इसके लंबवत एक रेखा खींचेंगे तो इसका भी सरफेस क्या आएगा, ये फर्श। ये किरण गई थी आपतित किरण और अभिलंब खींचा तो ये भी आया उसी के लंबवत, उसी फर्श के तल में। अच्छा, ये आई आपतित किरण आएगी और टकरा कर इसे वापस निकल जाएगी यहाँ से, तो ये हो गई परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण का भी तल क्या है, फर्श ही है। तो इस तरीके से क्या बोल सकते हैं कि आपतित किरण का तल फर्श है, अभिलंब का तल फर्श है और परावर्तित किरण का भी तल फर्श ही है। मीन्स क्या निकल गया, तीनों का तल एक ही है, और वही तो बताया गया है दूसरे नियम में, वही बताया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि लाइट इस तल से आएगी और टकराएगी तो इस तल में निकल जाएगी, जाएगी इस तल पे तो आएगी इसी तल पे, या जाएगी इस तल पे इस बोर्ड वाले तल में जाएगी तो टकराकर बोर्ड वाले तल में ही वापस आएगी। तो ये हो जाता है हमारा परावर्तन का नियम। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर अगला टॉपिक लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में।